हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जी आई ट्यूब चैनल। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू ट्रांसफ़र लोकल मनी इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। आज के मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बैंक से दूसरे बैंक को आप लोकल मनी ट्रांसफ़र किस तरह से करते हैं थ्रू आई बैन नंबर। वो आज हम स्टूडेंट में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने देखा मेरे जी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो निशा आपको ब्लैक कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन उस पर जल्द से क्लिक कर दे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपना एक सैप बैंक का एप्लीकेशन है मेरे पास जिसमें मेरा अकाउंट है सैप बैंक में, तो मैं उसके थ्रू एक और बैंक जिसका नाम है अलराजी बैंक उसमें मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ लोकल ट्रांसफ़र सऊदी अरेबिया में। तो सबसे पहले मैं अपना ऐप ओपन करता हूँ सैप बैंक का, इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम टाइप करना है, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करना है। तो लॉगिन जैसा ही होगा उस तरह का इंटरफेस कैसा आएगा वो आपको मैं ये डिटेल्स फिल करने के बाद वो स्टेप में मिलूंगा, ठीक है। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा सैप बैंक के, सैप बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो। तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ गया है, तो मैं इसके बाद फिर यहाँ से एक नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करूंगा। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर लोकल बैंक, इस पर क्लिक करता हूँ, अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र अमाउंट में कितना अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करने वाला हूँ वो अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट बेनिफिशियरी, अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड किया है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसका नाम अगर ऑलरेडी आपने ऐड किया है तो। अगर ऐड नहीं किया है तो आप थ्रू आई बैन भी भेज सकते हैं, देख सकते हैं वो आई बैन की लिमिट है 1000 रियाल। थ्रू उसका ईमेल आईडी से भेज सकते हैं, थ्रू उसका अकाउंट नंबर से भेज सकते हैं और थ्रू उसका मोबाइल नंबर भी आप टाइप करके उससे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। मेरे पास आई बैन नंबर अवेलेबल है तो आई बैन पर क्लिक करता हूँ। लिमिट है 1000 रियाल पर डे, ठीक है। तो मैं डिटेल्स पूरे फिल करता हूँ, देख सकते हैं आप बेनिफिशियरी का नेम है, आई बैन नंबर है, बैंक नेम है, ट्रांसफ़र पर्पस, बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, रेफरेंस। इसके बाद आपको आई कंफर्म टू वेरीफाई बेनिफिशियरी पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो चलिए सब स्टेप बाय स्टेप हम फिल करेंगे यहाँ पे डिटेल्स पूरे। बेनिफिशियरी निक नेम डाल दूँगा मैं, निक नेम मैंने डाल दिया है। इसके बाद आई बैन नंबर डालूंगा, आई बैन नंबर थोड़ा लॉन्ग रहता है थोड़ा केयरफुली, 24 डिजिट का रहता है वो, देख कर केयरफुली आप टाइप कर लें। आई बैन नंबर मैंने टाइप कर दिया, जैसे मैं आई बैन नंबर टाइप करूँगा ऑटोमेटिकली बैंक का नेम मेरे सामने आ जाएगा। ट्रांसफ़र पर्पस पे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ पर्सनल, फ्रेंड्स, बेनिफिशियरी रिलेशनशिप फ्रेंड है, रेफरेंस ऑप्शनल है इसको छोड़ दें। आई कन्फर्म टू वेरीफाई बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं बेनिफिशियरी का नेम भी यहाँ पे शो होगा। एक बार आप आई बैन नंबर केयरफुली से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई के लिए देख लें। आई बैन नंबर, बैंक नेम, ओके, सब डिटेल्स मैंने चेक कर लिया है, पूरा ओके है। प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूँगा मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर मुझे यहाँ पे टाइप करना होगा, उसके बाद ही सक्सेसफुल ट्रांसफ़र लोकली हो जाएगा। सैप बैंक का मैसेज भी आ गया है नंबर पे, देख सकते हैं हम यहाँ पे, इट्स डन, योर ट्रांजैक्शन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू रिसीव एन एसएमएस आफ्टर कंप्लीशन, यानी मेरा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया है 90 रियाल का। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा रिगार्डिंग लोकल ट्रांसफर के बारे में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, बताया वीडियो में।